मॉर्निंग गाइस। तो ईवीएड क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ये लेक्चर्स नीट, आईआईटी, जेईई, बोर्ड्स तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे ही पॉइंटेड लेक्चर्स हैं, कुछ भी मिस नहीं किया गया है। बस आपको एक चीज़ करना है, ये लेक्चर्स देखते जाने हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कि क्लास 11th का चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिक्स का चैप्टर है ये। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एकदम। चलिए तो अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि यूनिट को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। इसमें हमें क्या देखना है कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज यहां दी है मैग्नीट्यूड एन इंटू यू, एक चीज। ठीक है, तो एक चीज यहाँ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड एन इंटू यू, है ना। तो ये क्या होता है, हर समय कांस्टेंट होता है, एन इंटू यू हर समय कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ के देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि हाउ मेनी डाइम्स आर देयर इन वन न्यूटन, राइट। डाइन क्या होती है, सीजीओस यूनिट ऑफ फोर्स होती है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमें पता है ना। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू, है ना। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स की यूनिट, राइट। फोर्स के डायमेंशन है, क्या है ये, फोर्स के डायमेंशन है, राइट। अब देखो, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, फोर्स के जो डायरेक्शन होते हैं, डायमेंशन होते हैं, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं एम एल टी माइनस टू, राइट। ऐसा यूनिट में लिखेंगे हम। तो ये मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में। टाइम हर समय सेम होता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये तो ऐसा यूनिट में हो गया। डाइन क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है, डाइन होता है सीजीएस यूनिट, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो है ये कुछ एक्स डाइन्स के बराबर है, राइट। देखो ऑब्वियसली बात है, ये तो बड़ा ही होगा क्योंकि ये सीजीएस यूनिट छोटा होगा। तो एक्स टाइम अगर मैं डाइन का करूंगा तो मेरे पास मान लो ये आ रहा है ना, ये वाला डायमेंशन आ रहा है। ठीक है, अब बस हमें इन्हें कन्वर्ट कर देना है। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट का है, वो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि ये कुछ इस फॉर्म में होगा, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड का स्क्वायर, ये कुछ इसी फॉर्म में होगा, राइट। ग्राम सेंटीमीटर इस फॉर्म में, क्यों, क्योंकि ये है ना डायमेंशंस, तो उन डायमेंशंस को बस हमें सीजीएस फॉर्म में लिख देना है। अब ठीक है, अब क्या है कि ये जो है इन्हें बस आप इनका कन्वर्जन लिख देना है और वैल्यूज को काट देना है। तो 1000 kg क्या होता है, ये होता है 1000 grams के बराबर, किलो, है ना, 1000 grams। और 1 meter में कितना होता है, 100 cm, ठीक है, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, राइट। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ये गया, ये कितना बचा, 10 to the power 5, राइट। तो ये आ गई x की वैल्यू, है ना, ये आ गई x की वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन इसका। तो 10 to the power 5 डाइम्स होता है, ठीक है, 1 न्यूटन में 10 to the power 5 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो बस आपको इस फॉर्म में लिखना है और चीजें कन्वर्ट कर लेनी, राइट। अब हम आते हैं अगला टॉपिक जो है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। देखो दो ही जगह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो डेरिवेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पीछेगा, है ना। तो क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स मास
लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू जी। देखो क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला आपको रिलेशन के बारे में बताता है ना, कोई भी फॉर्मूला आपको रिलेशन के बारे में बताएगा, तो एक साइड एक वैल्यू होगी और दूसरे साइड एक दूसरी वैल्यू होगी, और ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। मतलब क्या है कि ये वाली साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से कुछ रिलेशन होगा, है ना। मान लो जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो बाजू वाली भी क्वांटिटी बढ़ रही है, या ये बढ़ रही है तो दूसरी वाली कम हो रही है। अगर डायरेक्टली बढ़ते हैं, एक बढ़े और दूसरी बढ़े, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शनल, है ना। ये जो साइन होता है ये क्या बताता है, प्रपोर्शनैलिटी के बारे में, है ना। ये साइन बताता है प्रपोर्शनैलिटी के बारे में, ठीक है। तो और अगर इसी फॉर्मूले के साथ नीचे कोई चीज अपॉन में है ना, तो वो इनवर्स प्रपोर्शनल होता है, ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर कोई की चीज सामने ही है तो ये होता है डायरेक्ट, और अगर अपॉन में है तो इनवर्स। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज भी बढ़ेगी, इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये वाली चीज घटेगी, है ना। ये होता है इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। देखो राइटिंग का आप लोग अभी देखना, क्योंकि मैं नया हूं तो ये जो सेटअप है इसकी मैं यूज्ड टू नहीं हूं, है ना, तो राइटिंग मेरी बहुत गड़बड़ हो रही है। तो ये हो गया हमारे पास इनवर्स प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, है ना। तो इनवर्स में क्या है कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, डायरेक्ट में एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, वो क्या है, मास में डिपेंडेंट है, लेंथ में डिपेंडेंट है और एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है, राइट। देखो ये किसी तरीके से डिपेंड इसने लिखा है ना, मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहा है, डिपेंड लिखा है, प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ वेरिएबल्स मान लेता हूँ, टाइम पीरियड में मान लेता हूँ टी है ना, टी मैंने क्या मान लिया, टाइम पीरियड, राइट। ऐसे ही मैं मास को मान लेता हूँ एम, पूरे चैप्टर में ही हम मास को एम मानते हैं, लेंथ को मान लेता हूँ एल, अर्थ का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा जी, नहीं है तो हम लोग आगे चल के देख लेंगे, वैसे ये 9th क्लास की चीजें हैं, छोटी छोटी क्लास की चीजें हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो कि डिपेंडेंट है किस पे, एक तो मास पे डिपेंडेंट है, एक तो किस पे, लेंथ पे डिपेंडेंट है, और दूसरा किस पे है, जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी पे डिपेंडेंट है। अब देखो ऐसा क्या होगा कि ये अकेला नहीं होगा, है ना, ये अकेला नहीं, ऐसा होता तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें इन तीनों चीजों पे डिपेंडेंट होती, तो सबका फॉर्मूला सेम बन जाता, तो ये किसी के पावर्स में होगा, है ना। तो इसकी मैं लेता हूं पावर ए, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला में हम देखते आ रहे हैं ना कि इनके कुछ डायमेंशन होते हैं, इसकी मैं ले लेता हूँ सी। डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखते आ रहे हैं, जैसे फोर्स होता है MLT-2, मतलब फोर्स क्या है, मास पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है ना, पर इनके पावर्स भी तो हैं, इनके पावर्स भी तो हैं, है ना। तो ये मैं मान लेता हूं कि टाइम पीरियड इस तरीके से जो भी फॉर्मूला आएगा वो प्रोपोर्शनैलिटी में इस टाइप से आएगा, राइट। अब ये जब साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है, ये बस ध्यान रख लेना, इक्वल टू मतलब बराबर, और सामने एक कॉन्स्टेंट आ जाता है ना, प्रोपोर्शनल है, पर किस टाइप से प्रोपोर्शनल है हमें नहीं पता, ठीक है, किस टाइप से प्रोपोर्शनल है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए एक कॉन्स्टेंट आता है। तो टी इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स एम ए एल बी जी सी, राइट। वो राइटिंग बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, है ना। अब ये टी का फॉर्म है, राइट, ये टी का फॉर्म है। मैंने क्या बताया, जो इधर साइड वाली चीज है वो, और इधर साइड वाली चीज है, ये दोनों चीज आपस में बराबर होंगी। यहां अगर टाइम लिखा है ना, तो ये भी चीज एट दी एंड टाइम ही आना चाहिए, तभी तो बराबर होंगे, है ना, तभी तो बराबर होंगे, वरना ये बराबर कहाँ होंगे। यहां अगर टाइम लिखा है तो ये भी चीज टाइम ही आना चाहिए, है ना। तो ये जो टी है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम, अच्छा ये इसका फॉर्म लेगा, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1,
है ना, ये तो टी ही रिप्रेजेंट कर, किसी भी चीज की पावर जीरो वो क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है, तो के टाइम्स आ गया ये। अब एम ए ही है, मैं सबको कैपिटल लेटर्स में लिख दे रहा हूँ, एल बी ही है, अच्छा जी जी क्या है, एक एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या होगा, एल टी माइनस टू, तो इसकी पावर हो जाएगी सी, है ना। तो के एम ए एल बी एल की पावर सी, टी की पावर माइनस टू सी, और ये है एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर वन, है ना। तो ये सब चीजें आपस में बराबर हैं, दिख रहा है ना आप लोग को, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। ये मेरे पास था, अब मैं इसको जब लिखूंगा, आगे के भी है, तो एल हो जाएगा बी प्लस सी, है ना, पावर जेड हो जाते हैं और टाइम हो जाएगा माइनस टू सी, है ना। अब देखो दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रही, मतलब यहां जो ये एम की पावर ए है ना, तो यहां जो एम की पावर है वो यहां भी होगी, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है ना। तो एम की पावर ए अगर है, मतलब यहां वाला एम के बराबर यहां वाला एम भी होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। तो एम की पावर जीरो बराबर है एम की पावर ए के, मतलब ए कितना होना चाहिए उसके लिए, जीरो, तभी तो दोनों बराबर कहलाएंगे। तो ए मेरे पास आ गया जीरो, ऐसे ही एल की पावर जीरो है वो एल की पावर बी प्लस सी के बराबर है, तो बी प्लस सी दोनों मिला के कितना होना चाहिए, जीरो, ठीक है। इसी तरीके से टी की पावर वन जो है वो टी की पावर माइनस टू सी के बराबर है, तो सी कितना होना चाहिए, माइनस वन बाय टू, है ना। ये ऐसे वन इक्वल टू माइनस टू सी होगा ना, तो सी होना चाहिए माइनस वन बाय टू। अच्छा बी कितना आ जाएगा उससे, बी आ जाएगा वन बाय टू, बी आ जाएगा वन बाय टू, राइट। तो ये मेरे पास डायमेंशंस आ गए, है ना, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब क्या है कि मैं इन वैल्यूज को वापस डाल दूंगा, मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, है ना, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हर की। मेरा टी क्या था, मैंने जो टी माना था वो ये था ना, के एम ए एल बी जी सी, ये मेरा टी था, राइट, ये मेरा टी था, मैंने ये माना हुआ था। तो बस जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उनको हम वापस डाल देंगे, तो हमारे पास असली डायमेंशन मिल जाएंगे, और फिर हमारा फॉर्मूला डेराइव हो गया। तो टी के ए कितना आ रहा है, ए तो जीरो है, ठीक है, बी कितना आ रहा है, बी बी वन बाय टू है जी, सी कितना आ रहा है, सी आ रहा है माइनस वन बाय टू, राइट। तो जो भी हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आ रहा है वो कुछ इस टाइप से होगा, राइट, एल बाय जी, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड, ये आप लोग ध्यान रख लेना, के जो आता है वो 2 पाई आता है, ये निकालेंगे के कैसे, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, है ना, पर डायमेंशनल फॉर्मूला से हमें इस चीज में मदद मिल गई, है ना। तो ये हमारे पास हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, डेरिवेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके